मेरे देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का होस्ट गुलजार हुसैन, आप लोग देख रहे हैं गुलजार हसन वीलॉग। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने वीलॉग में ये शेयर करेंगे कि मैं फ़िलहाल इस टाइम जड़ावाला में हूँ और अभी बस तैयारी ही करने लगे हैं, फ्रेश होना, नहाना है और नहा के फिर कपड़े चेंज करने और फिर लाहौर की फ़्लाइट, लाहौर निकलना है अभी थोड़ी देर में। 3 बजे की फ़्लाइट है, 3 बजे मैंने जाके वहाँ पे अपने ब्रदर इन लॉ को रिसीव करना है। और ये सारा सफ़र जो भी होगा ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ साथ शेयर करते जाएंगे। रास्ते का सफ़र भी मोटरवे के थ्रू, और उसके बाद फिर लाहौर में जब एंट्री होगी फिर एयरपोर्ट से जब हम उनको रिसीव करेंगे वो सारा कुछ मनाजर जो भी होंगे कोशिश करेंगे कि ये सारा कैप्चर्स करें और आप लोगों के साथ ये सारा कुछ शेयर करते जाएँ। आप लोग हमारे साथ रहिएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो हम कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ कल ये सारा कंबाइन करके भी लोग शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो पहले भी आप लोगों का माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत फलूस मिल रहा है और मेरी सोच से ज़्यादा अभी तक का मुझे जो प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, और आप लोगों का यही प्यार है जो हमें इस चीज़ को ब्लाइज करता है कि हम फिर से आप लोगों को अपने और व्यू या अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करें और शेयर करते रहें। अपना लाइफस्टाइल, अपना उठना बैठना, ईच एंड एवरीथिंग, डेली की रूटीन जो भी वो आप लोगों के साथ शेयर करें। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें, तो भी उनका प्यार ना करें तो भी वो हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और अज़ीज़ हैं, तो भी उनका प्यार हमारे साथ है, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अब नहाने की तैयारी हो रही है, नहाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होके चेंज करके निकलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को। रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर होंगी, आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा जी। तो दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। व्यूवर्स, फ्रेश हो लिया है, नहा लिया है और नहाने के बाद कपड़े भी चेंज कर लिए, तो अब इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। निकलने के बाद इंशाल्लाह आगे का जो मामलात हैं वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में होंगे, आप जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को। आ रही है, आ रही है। ठीक है दोस्तों, फिर हम घर से निकल पड़े हैं, 12 बजे, 12:15 का टाइम हो चुका है, गाड़ी रेडी है, बस अब हम जाने लगे हैं। दोस्तों, ब्रदर इन ला के अम्मी अबू बाहर गेट में बैठे हैं, ये होता है माँ और बाप जो बेटे के इंतज़ार में, 4 साल के बाद उनकी मुलाकात होनी है, वो बस बेटे के इंतज़ार में बैठे हैं कब बेटा आए और कब उसे गले लगाएं। अच्छा तो दोस्तों, हम लाहौर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, मेरे साथ बड़े भाई इमरान भाई मौजूद हैं जो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो इमरान भाई, लाहौर यहाँ से कितना सफ़र है? लाहौर जहाँ से 100 किलोमीटर है, अच्छा। लेकिन जो एयरपोर्ट है आपने वहाँ पे जाना है तो 50+ है, 150+ है। अच्छा, मतलब 150 पौने 200 के रेंज में। हाँ जी। कितना कितना टाइम लगेगा हमें जानते हुए? हमें इंशाल्लाह 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। 2.5 घंटे। ये भाई मोटरवे है या जीटी रोड? मोटरवे। मोटरवे, ये कौन सी मोटरवे? M2, M4? M2। M2। चलें जी, आज इमरान भाई के साथ सफ़र करने का मौका मिला है तो अल्लाह पाक करम फरमाए। हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर, लाहौर टोल प्लाज़ा, अभी लाहौर के 2 मिनट होने लगे हैं।
लें जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, बस 2 ही मिनट की दूरी पर हैं। एंटर तो हो चुके हैं लेकिन अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर नहीं पहुँचे। आप लोग हमारे साथ रहिए, हम आप लोगों को इसी वीडियो में सारा व्यू दिखाएंगे और ये कौन सी जगह है। वाओ, अमेजिंग। टाइम है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रोशनी कम होती है जिस वजह से वीडियो क्लियर नहीं बनती। ऊपर ही जाना है, ऊपर 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 नहीं, वो इस साइड से आए इमरान भाई। हम जी हम रास्ता भूल चुके हैं। हाँ जी, कुछ रास्ता भूलने के बाद आखिरकार हमें रास्ता मिल ही गया। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम आगे एंट्रेंस पहुँचेंगे। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि जो फ्लाइट है वो थोड़ी लेट है और हम कुछ पहले पहुँच चुके हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, खैरियत से पहुँच गए और अब कोई मसला नहीं, वेट भी करना पड़ा तो वेट भी करेंगे। लें तो दोस्तों, हम काफ़ी गाड़ी घुमाने के बाद बड़ी मुश्किल से पार्क कर ही लिया आकर हमने। अब हम पार्किंग एरिया में खड़े हैं, आप लोगों को बैक साइड पर चेक करवा देते हैं, वो पढ़ सकते हैं अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो उसका मेन एंट्रेंस है। जो लोग आते जाते हैं फ्लाइट के पास वहाँ से एंट्री होती है, बाकी आगे जब जैसे ही जाते हैं आप लोगों को वो भी व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हम पार्किंग एरिया में खड़े हैं और पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा वसी है। हाँ जी, तो दोस्तों आप चेक करें यहाँ का माहौल। यहाँ ज़िंदगी में ना पहली बार यहाँ पे आना हुआ है, इतफाक़ हुआ है बाइक को लेने के लिए, पहली दफ़ा आना पड़ा है। हाँ जी, फ्लाइट का टाइम होने को है, तब तक हम अपने बाइक का वेट कर रहे हैं। हम इमरान भाई से गुफ्तगू करते हैं कि इमरान भाई, पहले आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? 20 बार। क्या करने हैं? बस यही बाकी को छोड़ने ले जाने के लिए। अच्छा, मतलब आपकी पास ड्यूटी है कि लेके आना है और लेके जाना है, पिक एंड ड्रॉप। कभी आप खुद के इत्तेफाक हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हो? अच्छा, चलें अल्लाह पाक हेल्प करे। तो क्या प्लान इन फ्यूचर को, जाने का प्लान है या फिलहाल कोई प्लान नहीं? देखिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है और ये भी दिल में है कि अल्लाह पाक अपने घर की ज़रूरत करे। आमीन आमीन। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे और हिम्मत दे तो इंशाल्लाह वो तो हर इंसान का ख्वाब है। कोशिश हर इंसान की होनी चाहिए कि हम उस घर की ज़्यारत करें। तो फ्लाइट ऑलमोस्ट आ चुकी है, हम बस उसी का वेट कर रहे हैं।